हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुड फील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट और एक नई खुशबू लेकर। तो शुरू करती हूँ आज की रेसिपी और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ भुट्टे से बहुत ही चटपटा टेस्टी नाश्ता जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो मैंने लिया है, ये कौन लिया है, मकई, मक्का, भुट्टा, आप इसे जो जिस नाम से भी जानते हैं वही। तो बारिश का हो गया है सीजन चालू और बारिश के मौसम में ये भुट्टे का मौसम भी शुरू हो जाता है सीजन। और मैं इनको पहले छील लेती हूँ, इनके दानों को निकाल लेती हूँ। ओके, तो मैं पहले इनके दाने को निकाल लूँगी और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि आज इसके मकई से आज मैं आपके लिए कितना चटपटा नाश्ता रेडी करने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसके दानों को मैं अलग कर लूँगी इस तरह से, और इस तरह से मैंने सारे दाने निकाल लिए हैं और इनको वॉश कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं अपने ये मकई के दाने वॉश कर लेती हूँ अच्छी तरह से, और इस तरह से मैंने इनको वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद में मैं अपने मकई के दाने डाल दूंगी इस मिक्सी के जार में और मैं इनका बना लूंगी एक फाइन पेस्ट। ओके, तो मैंने इनको डाल दिया है और इसके बाद में मैं इसमें डालूंगी, ये लिया है मैंने मठा लिया है फेंटा हुआ दही, तो मैं इसमें दही डाल दूंगी, ये करीब बड़ा 1 चम्मच डाल दिया है मैंने। और इसको डालने के बाद में मैं इसका एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेती हूँ पहले इस तरह से। ओके, तो मैं इसको पीसते हुए देखिए थोड़ा सा ये हल्का सा दरदरा है अभी, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा ये अपना मट्ठा डालते हुए और मैं इसका एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। ओके, तो चेक कर लेते हैं, देखिए आपको दिखाती हूँ इसका एक फाइन पेस्ट बन गया है। तो मैं इसको पलट लेती हूँ एक कटोरे में, तो मैं पलट लेती हूँ इसे एक बाउल में, तो मेरे मकई का पेस्ट हो गया है एकदम रेडी। और अब मैं इसमें डालूंगी, ये मैंने 1 चम्मच लिया है घी लिया है, तो मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। और हाफ स्पून ली है मैंने ये अजवाइन, और हाफ स्पून लिया है मैंने नमक लिया है ये, तो नमक डाल लेती हूँ इसमें। और अब मैं इसमें ये लिया है मैंने बेसन ग्राम फ्लोर, तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा बेसन डालते हुए और इसका एक रोटी वाला आटा रेडी करूंगी, जैसा कि रोटी का आटा होता है एकदम सॉफ्ट डो, इसका मैं रेडी करूंगी। और मुझे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है क्योंकि ये ऑलरेडी इतना पतला बना हुआ है, तो मैं इसमें बेसन डाल डालकर इसको आटा बना लेती हूँ सॉफ्ट। तो मैंने इसका एक रोटी वाला आटा, देखिए आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट आटा है जिस तरह की हम रोटियां बनाते हैं। तो मेरा सारा क्रेम फ्लोर बेसन मैंने यूज कर लिया है अपना, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी इसमें इतना पानी था, तो मैंने इसको बिल्कुल मल लिया है इसको आटा, जैसे कि रोटी का आटा होता है। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देती हूँ और तब तक मैं अपना स्टफिंग रेडी कर लेती हूँ। तो इसकी स्टफिंग बनाने के लिए मैंने लिए हैं कुछ ये बॉइल्ड आलू जिसको मैंने छील के तोड़ लिया है, इसको मैं स्टफिंग के लिए यूज करने वाली हूँ। तो मेरे आलू हो गए हैं एकदम रेडी है मेरे आलू, तो इनको रख देती हूँ साइड में। और मैं इसमें अपना फ्लेम मैंने चालू कर दिया है, उस पर रख दिया है मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है मैंने ये घी लिया है, मैंने 1 चम्मच घी है ये, तो घी डाल देती हूँ और करती हूँ वेट इसके मेल्ट होने का। तो घी हो गया है मेरा मेल्ट, इसमें डालती हूँ 1/2 स्पून जीरा, 1 चुटकी ली है मैंने हींग, 1 पिंच हींग, और हींग जीरा हो गए हैं मेरे हल्के गोल्डन ब्राउन। तो मैंने लिया है कटा हुआ प्याज, तो कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ इसमें और हल्का सा इसे पका लेती हूँ, इसमें हल्का सा पकाऊंगी सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो ऑनियन मेरा हल्का सा पक चुका है और हल्का गोल्डन कलर आ गया है, तो मैंने लिया है 1 टमाटर लिया है कटा हुआ, और 2 ली है मैंने ग्रीन चिली, तो इनको भी डाल देती हूँ इसमें, और मैं इनको को भी हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और इस तरह से मैं इसे ही पका लेती हूँ और अपना फ्लेम स्लो रखूंगी। और इसमें डालूंगी मैं 1/4 चम्मच लिया है मैंने ये लाल मिर्ची, 1/4 स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 स्पून लिया है मैंने टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और इस सब को मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ, इनको पका लेती हूँ इसमें वरना ये जल जाएंगे, तो मैं इनको भी मिक्स कर लेती हूँ इसमें और 2 मिनट के लिए पकाती हूँ इसे। तो हो गए हैं 2 मिनट, और ये लिया है मैंने 1/2 स्पून कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, और 1/4 स्पून लिया है मैंने ये गरम मसाला,
और एक चम्मच लिया है मैंने ये कसूरी मेथी। और इस सब को मैं पहले कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स, और मैंने इसको मिक्स कर लिया है। उसके बाद में मैं डालूंगी इसमें अपना पोटैटो बॉइल्ड, और इसके बाद डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ हाफ स्पून सॉल्ट। और नमक डालने के बाद में मैं सबको अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ अपने जो बॉइल्ड पोटैटो है मेरे, तो सबको मैं मिला लेती हूँ अच्छी तरह से। तो इस सबको कर लिया है मैंने अच्छे से मैश, और आपको दिखाती हूँ पास से। 2-3 मिनट हो गए हैं और मेरी ये स्टफिंग एकदम रेडी हो गई है, और मैं इसे पलट लेती हूँ एक प्लेट में। तो फ्लेम अपना कर देती हूँ बंद, और मैं इसे एक प्लेट में पलट लेती हूँ ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है स्टफिंग का, देखिए अभी से देखिए बहुत अच्छा कलर आया है एकदम रंग बिरंगा। स्टफिंग को मैंने पलट लिया है एक प्लेट में, और स्टफिंग भी मेरी ठंडी हो चुकी है, तो रखती हूँ उसे एक साइड में और चेक करती हूँ अपना आटा। तो देखिए आटा बहुत ही अच्छा एकदम सॉफ्ट उनके रेडी हुआ है, तो मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ इस तरह से। और मैं इसे हाथों पे हल्का सा मैंने घी लगाकर और इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लेती हूँ, थोड़ा चिकना कर लेती हूँ इसे। तो आटा हो गया है मेरा एकदम चिकना, और आपको दिखाती हूँ एकदम चिकना है। तो मैं इसके छोटे छोटे पहले बॉल बना लेती हूँ इस तरह से, बॉल बना लूंगी इस तरह से। और अगर आपके हाथों पर इसका डो चिपकता है तो आप घी लगा सकते हो, ऑयल लगा सकते हो। तो मैं इसको बना लेती हूँ पहले। तो इन सब के बना लिए हैं मैंने बॉल, और बॉल बनाने के बाद में मैं इनको हाथों से ही हल्का सा फैलाऊंगी पूरी टाइप में, दिखाती हूँ आपको। थोड़ा पतला कर लीजिए इसे ताकि इसके अंदर आप स्टफिंग डाल सकें। तो मैं इसको हल्का सा पतला कर लेती हूँ, और आपके नारों को प्रेस करते हुए, बीच में प्रेस करते हुए बराबर साइज का, कहीं मोटा पतला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी पूरी टाइप में बना लीजिए। और एक चम्मच स्टफिंग जितनी की आराम से इसमें आ सके, एक स्पून ली है मैंने ये, और इसको अंदर इसमें डाल दीजिए किनारों को आप करते हुए, और इसे अंदर करिए धीरे धीरे ऐसे हल्के हाथों से, क्योंकि इसमें मकई का पेस्ट है तो मकई का आटा वैसे भी सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से बंद कर दीजिए, और बंद करने के बाद में आप इसको हल्का सा चिकना कीजिए, और चिकना करने के बाद में आप इसको ऐसे ओवल साइज में थोड़ा सा दीजिए इस तरह से, ओवल साइज, कहीं से फटना नहीं चाहिए, हल्के हाथों से करना है आपको ये इस तरह से ओवल साइज करते हुए। और ये लिया है मैंने गेहूं का आटा लिया है थोड़ा सा व्हीट फ्लोर, तो इसमें हल्का सा मैं इसे कोट कर लूंगी ताकि ये फटे नहीं। और इस तरह से आपको सारे अपने ये बना लेने हैं, और आपको आटा इतना ही लगाना है और झाड़ देना है, इतना ही लगाना है कि इसे कढ़ाई में ऑयल खराब ना करे। तो मैं इस तरह से रेडी कर लेती हूँ सबको, इस तरह से इसे एक रोटी टाइप में बनाना है जिसमें की स्टफिंग आराम से आ सके। और इस तरह से मैंने, अगर आप इसमें घी ना लगाना चाहें तो आप हल्के से हाथों में आटा लगा के आप इसे इस आटे से भी इसका यूज़ कर सकते हो, आटे से भी आप इस अपने हाथों को वैसा कर सकते हो जिससे कि डो आपके हाथों में ना चिपके। तो मैंने आटे को अपने हाथों पर लगा के इसे बनाया है। तो देखिए मैं इस तरह से इसको भर रही हूँ, और आपको हल्के हाथों का यूज़ करना है, बिल्कुल टाइटली नहीं करना है क्योंकि मकई का आटा सॉफ्ट होता है, ये फट जाता है बहुत जल्दी। तो हल्का सा हाथ लेके और आपको इस तरह से इसे ओवल साइज में बना लेना है इस तरह से। और मेरे सारे हो गए हैं रेडी, अब मैं इनको फ्राई करने का इंतजार करती हूँ इनका। तो फ्लेम मैंने अपना चालू कर दिया है, और उस पर रख दिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल, और ऑयल होने वाला है मेरा गर्म। तो चेक कर लेते हैं पहले अपना ऑयल। तो मैंने अपने डो का एक छोटा सा बॉल बना लिया है, और मैं इसे चेक करती हूँ मेरा गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये इसके बबल आ रहे हैं, और ये आ गया है ऊपर, तो मेरा हो गया है एकदम कंप्लीट ऑयल। तो मैं अपने ये पकोड़े डालती हूँ अपने इस ऑयल में धीरे धीरे, और आपको बड़े प्यार से इनको सेकना है क्योंकि ये मकई के आटे के हैं, तो आपको बड़ी सावधानी से इनको फ्राई करना पड़ेगा धीरे धीरे।
तरह से, तो धीरे धीरे पलटते हुए इनको एकदम गोल्डन कुरकुरा कर लेना है। और बहुत ही अच्छा कलर आया हुआ है, हल्का गोल्डन, और देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में भी। और जब इनको खाएंगे तो आपको बिल्कुल ही बहुत ही डिफरेंट स्वाद आने वाला है, इसमें टेस्ट आने वाला है। तो मैं इनको मीडियम फ्लेम पर धीरे धीरे सेक रही हूँ, आराम आराम से। तो हो गए हैं 3-4 मिनट इनको सिकते हुए, और चारों तरफ से एकदम गोल्डन सुनहरा कलर आया है। तो बिल्कुल सिक के रेडी हो गए हैं, और अपना फ्लेम मैं कर देती हूँ बंद, फ्लेम को बंद कर दिया है। और मैं इनको अब निकाल लेती हूँ एक प्लेट में, और आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर लग रहा है देखने में, और खाने में तो इसका टेस्ट का जवाब ही नहीं है। तो मैं इनको निकाल लेती हूँ, देखिए कितने क्या बात है। और मैं पलट लेती हूँ इनको एक प्लेट में, और देखिए आपका बहुत ही मकई के आटे का एकदम क्रिस्पी नाश्ता रेडी हो चुका है। और आपको मेरा ये रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और मैं आपको दिखाती हूँ एक तोड़ के, ये तो मैंने ले लिया है एक, और मैं इसे करती हूँ कट करके दिखाती हूँ आपको कि अंदर से ये कहीं कच्चा तो नहीं है। तो आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है, देखिए देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और आप जब इसको चाय के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आने वाला है। और देखिए, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल, अपनों का ख्याल। अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर नए नए, तो कर लीजिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।